चपाटी मैनेजर है चपाटी चपाटी टीम के हमारे मार्कोसी, हालांकि इस सीजन में उसका टीम यहां पर नहीं है, लेकिन अयोध्या के लिए अगला जो गोल करेंगे उसको भी 1001 रुपया लिया जाएगा। चलिए अयोध्या टीम, अगला गोल किसके नाम लिखा है? क्या यहाँ पर सिकितन भी गोल करेंगे, या यहाँ पर पतरास, या सपन, या यहाँ पर बाबुट्टा जी? ये खास नजर रहेगा इस मैच में दोनों टीम के लिए। 1-1 हजार का स्पॉन्सर राशि चपांडी के, जो ब्लैक स्टोन क्लब चपांडी आप जानते हैं बहुत ही सफल टीम हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस साल इस ग्राउंड पर नहीं आए, अन्यथा यहाँ पर कई साल इस ग्राउंड से वो जीत कर भी गए हैं, विनर टीम बने थे और अच्छे अच्छे प्लेयर्स उस टीम से देखने को मिलता था, और हर लोग जो है जब जब बड़ा टूर्नामेंट होता था चपांडी टीम का खेल देखने के लिए, उनके टीम से प्लेयर्स को देखने के लिए लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते थे। हालांकि इस साल वो टीम आया नहीं है, और 1000 के लिए ये शॉट था, लेकिन इस बार थोड़ा सा गया। यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि कम से कम कल जो पिछला दिन मैच खेला गया था उसका भी यहाँ पर जो है अपडेट बता दीजिए। तो कल के दिन में भी अच्छे अच्छे टीम ने ग्रुप ए से पार्टिसिपेट किया था, मैं पूरे डिटेल में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। पहला मैच खेला गया था ग्रुप ए से एफसी सारियोम बगान वर्सेस हिहिड़ी पिपिड़ी क्लब सिविडंगा सपारो। इस मुकाबले को एफसी सारियोम बगान टीम ने 1 गोल से जीत करके क्वार्टर में अपना जगह बनाया था। कल दिन का जो सेकेंड मैच खेला गया था ग्रुप ए से डीएसके कॉलेज बारहरवा वर्सेस एफसी सोरेन स्टार बदघुटो महेशपुर के बीच में, और इस मुकाबले को ये देखिए इस बार बिहारी के लिए अच्छा होना पड़ेगा, और ये हो गया। और मार्कोसी आपका 1000 रुपया 5 नंबर बिहारी ने ले लिया है। चलिए मार्कोसी आप ऐसा ऐसा मंच की ओर आएंगे, और चलिए आपके बार फिर है अभी मुकुंडा टीम के लिए, वो अभी जारी रहेगा जब तक गोल नहीं होगा तब तक, और इतने तक कॉल नहीं आया है इंतजार रहेगा हमें उनके कॉल का। और इसी के साथ कल दिन का जो सेकेंड मैच था बदघुटो महेशपुर और बीएसके कॉलेज बारहरवा के टीम जो खेले, ये दोनों टीम पिछले 2022 में ये दोनों टीम फाइनलिस्ट थे, फाइनल में खेले थे, और बीएसके कॉलेज की टीम 2022 में यहाँ इस ग्राउंड पर विनर टीम बनी थी। और इस मैच में बीएसके कॉलेज ने 2-1 से बदघुटो महेशपुर को हराया था। और ऐसे में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर फोर्थ ऑफिशियल के द्वारा यहाँ पर एक चेंजिंग का तैयारी किया जा रहा है, खास करके यहाँ मुकुंडा रामगढ़ की टीम की ओर से सारे प्लेयर्स में बदलाव होना है और यहाँ तैयारी चल रही है। और खास करके कल दिन का जो तीसरा मैच हमने देखा था जूक मरसाल माधोपुरा राजमहल वर्सेस प्रिंसा एंजल दुमका के बीच में, इस मुकाबले को प्रिंसा एंजल ने ट्राइबंकर के माध्यम से पेनल्टी शॉट आउट के माध्यम से मैच को जीता था और क्वार्टर में अपना जगह बनाया था। कल के दिन में जो चौथा मैच हमने देखा चाय चंपागढ़ रांची वर्सेस एफसी नयाग्राम साहेबगंज, इस मुकाबले को चाय चंपागढ़ रांची ने ट्राइब्रेकर के माध्यम से जीत करके क्वार्टर में अपना जगह बनाया था। और चलिए यहाँ पर कुरकुंडा के ऊपर दबाव बढ़ते गए, इसीलिए इनका भी गोल का जो कीमत है वो भी बढ़ गया है, 1000 से 1500 रुपया हो गया है। अगर यहाँ से मुकुंडा रामगढ़ की टीम एक भी गोल अगर वापसी करते हैं तो उसको दिया जाएगा 1501 रुपया का नगद पुरस्कार, ये हमारे मार्कोसी की ओर से। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मार्कोसी, आप प्लेयर्सों की हौसला अफजाई करने के लिए इतना बेहतर बेहतर जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप इस क्लब की ओर से बादोली जली जो क्लब हाथीगढ़ की ओर से आप दिल से शुक्रिया अदा के पात्र रहेंगे। इसी बीच 3 नंबर जब तक वहां पर इस्माइल गेंद को क्लियर करते, वहां गेंद इस बार देखना होगा बन रहा है उधर, लेकिन गेंद अभी भी प्ले में है। कल दिन का जो प्रथम बीएसके कॉलेज बारहरवा और एफसी सरजोम बगान के बीच में, इस मुकाबले को 1-0 से बीएसके कॉलेज बारहरवा की टीम ने मैच को जीत करके कल ही इन्होंने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में खेलने के लिए अपना जगह को सुनिश्चित कर लिया है। और ये देखिए 1500 रुपया वहां पर मिस होता हुआ, और इसी के साथ यहां पर एक चेंजिंग का कॉल आता हुआ, और चाय चंपागढ़ रांची
इस मुकाबले को पीसा एंजल दुमका की टीम ने ट्राइब्रेकर के माध्यम से मुकाबले को जीत करके सेमीफाइनल में अपना जगह बनाया है। तो निश्चित रूप से कल के दिन में दो टीम जो है जो सेमीफाइनलिस्ट बने हैं सुपर फोर में जो अपना जगह बनाए हैं वो टीम है बीएसके कॉलेज बरहरवा और पीसा एंजल दुमका। लेकिन बढ़िया टीम रहा होलावा टीम है लेकिन सेमीफाइनल में गति लेकिन जगह किन सुनिश्चित कर सके ना। और नौका के तेहज हो ना टोटल तुरु गोटे मैच हुआ और तेहज ग्रुप ए से कोई उनका किन बनाओ कन बढ़िया टीम सेमीफाइनलिस्ट उनका की तेहज हो ना ग्रुप बी से कोई बढ़िया टीम किन बचाओ चुआ और उनकी भगना टीम तो ना हो गई चिंता है ना लुआ बुनियाला था सारे कम समय रहे सारे कम मैच रहे। तो राजेंद्र जी वहां मैच रहे पकड़ बाड़ी जैसी मजबूती थी कंद हुआ खास करके अयोध्या टीम पहाड़ा एंड पिया गोल हुई ना बढ़िया गोल सिकितन मुर्मू रामगढ़ टीम होनी न पाई बॉल पोजीशन को बनावे कर गया उनका ना उसर को जामे गया कम से कम मैच रे अंतर हुए लगी मेनका नीत भी ओना बॉल को फिनिश दारी ना काउंट है नीत भी का मैच रे जहल करा अंतर भाग गया करा राजेंद्र जी। लेकिन एक अच्छा चांस मिला था रिटर्निंग गोल का इतना अच्छा मौका मिला था जिस तरह से 11 नंबर ने 6 नंबर के लिए अर्जुन के लिए इतना बेहतर क्रॉस किया था सिर्फ उसको डायरेक्शन देना था तो वो आराम से एक दिन का वापसी कर सकते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीन गोल और अभी तक सबसे ज्यादा गोल से जीतने वाली टीम बन गई है अयोध्या टीम पहाड़। यहां पर 3-0 से लीड आप समझ सकते हैं यहां पर जैसे कि मार्कोस जी यहां पर मोटिवेट कर रहे हैं यहां पर मुकुटा की टीम को और एक प्लेयर है खेलने के बाद सभी प्लेयर्स जो है कहीं ना कहीं वो इस प्रकार के उनके पास पावर आ जाती है बल आ जाती है तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि और अगर हम मेहनत करेंगे तो निश्चित ही और अपना जो स्कोर का अंतर है उसको हम ला सकते हैं तो ऐसे में मैच और बेहतर बन जाती है। लेकिन हम देखेंगे पहला गोल कब तक आएगा ये मुकुंडा टीम से नौकान समय रहे नोड़े खोई बॉल पोजिशन अभी मौज को दोई ना खास कर नियल लिखाई अयोध्या टीम और 12 नंबर ये तो पत्रास मुर्मू लगी लेकिन बॉल ऐसा ऐसा गोल लाइन पर बाहर है।